साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो ये सीरीज और इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। बट जैसा कि बीजीटी से ब्रेकिंग आई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कि भैया रोहित शर्मा जो है वो पहला टेस्ट मैच तो 100% मिस करेंगे और सेकंड टेस्ट मैच भी मिस कर सकते हैं। क्या जडेजा या अश्विन से ओपन? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है दिल दलफा जी, इसमें कोई चांस नहीं है भाई। आप जडेजा अश्विन से ओपन करवा भी, मान लो आपकी बात 1% करवा भी लो, बट फिर भी ना आपको फिर नीचे बल्लेबाजी कौन करेगा? आपने मान लो देखिए जडेजा एक ही स्पिनर खेलेगा वहां पे, जडेजा खेलेंगे ठीक है, जडेजा से मान लो आपने ओपनिंग करवा दी है ना, वो तो होगा नहीं बट करवा दी, तो फिर नीचे कौन खेलेगा? नीचे भी तो आपको बैटिंग चाहिए ना, तो भाई आपको बल्लेबाज तो खिलाना ही पड़ेगा, रोहित शर्मा की जगह किसी को तो टीम में लेना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों वो के राहुल ही होंगे, अभिमन्यु ईश्वरन के चांस मुझे नहीं लग रहे है ना। इंडिया की प्लेइंग 11 मैं यहाँ पे बैठे बैठे बात कर सकते हैं, अगर पहले टेस्ट मैच में राहुल जायसवाल ओपनिंग, नंबर 3 पे गिल, नंबर 4 विराट, 5 पे पंत, 6 पे आपके मुझे लग रहा है ध्रुव जुरैल, नंबर 7 पे जडेजा, 8वें पे नीतीश रेड्डी, या आपके 8 ऑलराउंडर प्लस बैटर्स हो गए, 9, 10, 11 आपके 3 पेसर्स रहेंगे, बुमराह, सिराज, अकाशदीप, ये आपकी इंडिया की प्लेइंग 11 है पहले टेस्ट मैच के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मे भी शायद एक चेंज हो जाए, बाकी तो ये अनचेंज जाएगी। 30 करोड़ पंत, इमेजिन भाई 25 करोड़ तो आराम से मिल रहे हैं, 30 करोड़ मिले ना मिले बट 25 करोड़ मैं मान रहा हूँ ऋषभ पंत को 100% मिलेंगे, ये बात भाई कंफर्म है। बट जो हम बात करें बीजेटी की, तो अब इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है के राहुल या अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन फ्लॉप रहे दोनों मैचों में, के राहुल दोनों पारियों में फ्लॉप रहे, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है बैकअप ओपनर का, तो भाई फिर आपको राहुल के साथ ओपनिंग करवानी पड़ेगी। अब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुबह 9 बजे, लाइव रहूंगा मैं भी, तो वहां पे हम बातचीत जरूर करेंगे जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी कि क्या गौतम गंभीर से सवाल पूछा जाएगा राहुल के बारे में, क्या उनसे पूछा जाएगा जो बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई है, वो जो है उसमें क्या बातें निकल के आ रही हैं, वो सच है या नहीं है, वो सब कल मेरे ख्याल से देखते हैं गौतम गंभीर से पूछते हैं या नहीं पूछते। आपका ऐसा प्लेयर जो अंडररेटेड इन आईपीएल ऑक्शन जो पैसा ज्यादा ले जाएगा इस बार आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा बहुत पैसे जो ले जाएगा अंडररेटेड हो सकता है मे बी वॉशिंगटन सुंदर, मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर भाई, मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं वो। के राहुल मिस 2018 फॉर्म, भाई अगर आ जाए अगर वो वाला फॉर्म तो वारे न्यारे हो जाएगी टीम इंडिया भी और जो भी फ्रेंचाइजी उनको अगर लेती है, तो उम्मीद करते हैं के राहुल का फॉर्म वो वाला वापस आ जाए, बट अभी तो सामने बीजीटी वाला चैलेंज है और उसी दौरान ऑक्शन भी है, तो के राहुल को अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है, बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपको हो सकता है कि पहले टेस्ट में ओपनिंग का मौका मिल जाए, प्लस आईपीएल ऑक्शन में आप 15-20 करोड़ के चले जाएं, या फिर बैड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि पहले टेस्ट मैच में आपको मौका ही ना मिले और ईश्वरन को मौका मिल जाए और ऑक्शन में आपको ज़्यादा पैसों में ना खरीदा जाए, ये भी हो सकता है ना, तो वो चीज़ है। बाकी 2025 में तो वो पिता बनने वाले हैं, तो वो चीज़ है ही। तो थैंक यू सो मच इस लाइव को देखने के लिए, बस ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी थी। आई थिंक केएल को डर कर खेलना बंद कर देना चाहिए। हाँ यार, वो डर कर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं, अगर वो डिफेंसिव खेलना बंद कर देंगे मुझे लग रहा है शायद उनके चांसेस है कि फिर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो डिफेंसिव ज़्यादा हो जा रहे हैं इसलिए शायद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। केएल को केकेआर भी ला सकती है, केएल को केकेआर मुश्किल है यार, मुझे लग रहा है आरसीबी ही जाएगी उनके लिए, पंजाब भी शायद ना जाए बट आरसीबी जाएगी मुझे लग रहा है 100%। केकेआर में ज़्यादा चांस मुझे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों केकेआर में नहीं लग रहे उनके चांस। केकेआर के बारे में अभी सुनने में भी नहीं आया कि वो राहुल के पीछे जाएगी या नहीं जाएगी। बट हाँ, हम जो ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच 100% मिस करेंगे, दूसरा टेस्ट मैच वो मिस कर सकते हैं, इसका मतलब ये है जसप्रीत बुमराह आपके ऑलमोस्ट दोनों मैचेस में कप्तान रहेंगे, बट सवाल ये है कि ओपनिंग कौन करेगा, अभिमन्यु ईश्वरन या केएल राहुल, और दोनों के दोनों जो है इंडिया की तरफ से अब तक तो फ्लॉप रहे हैं है ना। और बाकी आगे देखो पर्थ टेस्ट मैच में किसे मौका मिलता है, मुझे लग रहा है कि केएल राहुल खेलेंगे, अभिमन्यु ईश्वरन के चांसेस उन्होंने कहीं ना कहीं गवा दिए, अगर वो 4 पारियों में 1 भी 50 मार देते तो शायद एक कहीं चांस होता। रोहित क्यों नहीं दिल दलफा जी, किस चीज़ में रोहित क्यों नहीं बीजेटी में? भाई वो पापा बनने वाले हैं दूसरी बार, उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो दोनों जो है मतलब जो कपल है वो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है इसी वीक उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर अगली वीक, मतलब ये नवंबर जो महीना है उसमें कहा जा रहा है कि उनके बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस हफ्ते हो जाएगी, अगर इस हफ्ते हो जाती है तो मे बी वो दूसरा टेस्ट मैच ज्वाइन कर लें, बट अगर इस हफ्ते नहीं होती है और अगर अगले हफ्ते तक बात जाती तो शायद ये हो सकता है कि वो दोनों टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं। क्या लगता है बॉय अगल? अब यार देखो